हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड आज हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। मुझे एक लहंगा चाहिए तो हम उसके लिए जा रहे हैं। एंड अभी बज रहे हैं 11, हम काफ़ी लेट हैं, हमें 10 बजे निकलना था, बट रेडी होते होते टाइम हो गया। एंड मैं आज आपको पूरा बताऊंगी कि मैं चांदनी चौक का मिनी टूर कराऊंगी, और आपको मैं सारे डिटेल्स दूंगी कि लहंगा कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो और कौन कौन से शॉप से ले सकते हो। एंड होपफुली जो मैं बजट लेकर जा रही हूँ उसमें मुझे लहंगा मिल जाए, मुझे अच्छा लहंगा मिल जाए, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। और चलते हैं। मेरे साथ कौन जा रहा है? गेस्ट तो आपने कर ही लिया होगा। मेरे घर वाले अडॉप्ट करने वाले हैं तो मेरे घर में एक हफ्ते से आई है, ना पैसा दे रही है मुझे ना कुछ कर रही है। हमारे लिफ्ट आ गया बस, इसने भी किडनैप कर लिया है, फ्री का रह रही है मेरे। नहीं यार, मेरा हेल्प करवाने के लिए आई है भाई, वो ऑफिस से छुट्टी ले लिया इससे, और क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्लान बना के हमें लहंगा लेना है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास जो दो लहंगे हैं मैं उसे यूज कर लूंगी, बट मुझे नया लहंगा लेना है, तो इसलिए हम चांदनी चौक जा रहे हैं। होपफुली चांदनी चौक में मिल जाए, नहीं चांदनी चौक में मिल जाए, नहीं तो फिर हमें लाजपत जाना पड़ेगा, जो कि सर दर्द है। और हमारा पहला स्टॉप जूस। सो हम अपने घर से 10:30 बजे निकल गए थे और हमें 11 बजे चांदनी चौक पहुंच गए थे। हमने येलो लाइन ली थी एंड वहां से हमने चांदनी चौक की जो स्टेशन था वहां पे हम उतरे थे, एंड वहां से गेट नंबर 1 से हम निकले थे चांदनी चौक का, ये मेन गली के लिए। आप अंदर अंदर आओगे तो पराठे वाली गली से आप यहाँ पर सीधे पहुँच सकते हो गेट नंबर 1 से, और आप पूछ भी लोगे तो भैया वहाँ पर जो भी होते हैं वो बता देते हैं आपको। उसके बाद सबसे बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं, अगर आपको शादी की शॉपिंग करनी है, लहंगा शॉपिंग करनी है, तो आप सुबह सुबह आएँ 10, 10:30 या 11 बजे तक मैक्स चांदनी चौक पहुंच जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो कि आपको सेम लहंगे दिखाएंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपना टाइम लेकर आएँ यहाँ पर। तो हमने अपना बजट रखा था लहंगे का 5,000, एंड उसके अंदर में सोचा था कि हम लहंगा ले लेंगे, बट हमने अपना बजट लास्ट में थोड़ा एक्सीड करना पड़ा, क्योंकि जो हमें लहंगा पसंद आया था वो काफ़ी महंगा था, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। बट सबसे पहले हम ये शॉप, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के लहंगे थे, मुझे तो सारे लहंगे पसंद आ रहे थे, पता नहीं क्यों जो भी ये लहंगा दिखा रहे थे मुझे सारे लहंगे पसंद आ रहे थे, पर लेना मुझे एक ही लहंगा था। बट यहाँ पे थोड़ा प्राइस मुझे लगा एक्सपेंसिव था इनका, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था 3,000 से 5,000 में आपको अच्छे लहंगे मिलते हैं, बट यहाँ पे स्टार्ट ही 5,000 से हो रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे एक बजट में लहंगा लेना था, क्योंकि मुझे और भी आउटफिट्स क्रिएट करने थे। तो ये लहंगा मुझे काफ़ी पसंद आया था, ये जो लहंगा ये अभी दिखा रहे हैं भैया, पर इसका कॉस्ट था 7,000, जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि मैंने बजट सोच कर आई थी एंड जो भी मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब में उन्होंने सब में बोला था कि आपको 2,500 से लेकर 5,000 में काफ़ी अच्छे लहंगे मिलेंगे, तो इसलिए मेरा बजट यही था कि मैं 5,000 में एक अच्छा लहंगा लूँ। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे वैरायटी थे इस शॉप में। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि मैं आपको शॉप नंबर बता दूंगी लास्ट में, जो भी आपको चाहिए होगा शॉप नंबर। एंड ये वाला लहंगा थोड़ा सा ज़्यादा काम लग रहा था, पर ये भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा एक दो ट्राई किया जाए लहंगा, एंड देन मैंने ये वाला लहंगा ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे वही प्राइस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैं नेक्स्ट शॉप में चली गई। भैया बोल रहे थे मैं और भी दिखा देता हूँ, बट मुझे नेक्स्ट शॉप में मैं गई एंड वहाँ पे भी मुझे एक दो लहंगे अच्छे लग रहे थे, बट वही प्राइस का बहुत इशू आ रहा था, पता नहीं मेरे टाइम पे इतना प्राइस क्यों हाई कर दिया था, आई हैव नो आइडिया। बट उसके बाद जो मैं 2-3 शॉप में गई मुझे कुछ पसंद नहीं आया वहाँ पर, ये पर वहाँ पे ये वाला जो एक लहंगा मुझे पसंद आया, ये ब्लूइश कलर में, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा लग रहा था, और ये मुझे प्राइस कर रहे थे 4,500, तो मैं बार्गेनिंग करवा सकती थी। एंड एक प्रो टिप ये है कि अगर आप चांदनी चौक जा रहे हैं तो प्लीज़ बार्गेनिंग करवाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग होती है। मैंने लिटरली 3-4 वीडियोस देख कर गई थी यूट्यूब के कि आप बार्गेनिंग होती है, ये कहाँ पे अच्छे मिल सकते हैं शॉप नंबर। अरुण लहंगा एक है जो कि वहाँ का बहुत फेमस चांदनी चौक का लहंगे वाले हैं, और भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, काफ़ी पॉपुलर भी कोचर्स हैं जो भी वहाँ पर लहंगा सेल करते हैं, बट अरुण लहंगा जो है वो फिजिबल रेट में आपको लहंगा प्रोवाइड कर सकता है। बट मेरे को जाना नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ से एक लहंगा ले रखा था अरुण लहंगा से। देन मैं यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे मैं घुसी थी, एंड यहाँ पे एक लहंगा मुझे, ये वाला लहंगा जो आप अभी देख रहे हो, ये क्रीम कलर का था, ये वाइट इस पर दिख रहा है, पर ये क्रीम कलर का लहंगा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था, बट इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इसके ब्लाउज़ में काफ़ी ज़्यादा निशान थे, जो कि
सैडली मैं फिर वो ले नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अगले दिन ही पहनना था। एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। अब खाने का ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, हजार दुकान, लिटरली हजार दुकान में घूम चुके और कुछ नहीं मिल रहा। तो सबसे पहली चीज़ हमने खाई छोले भटूरे, क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। तो ये पराठे वाली गली के साइड में ही ये शॉप थी जो कि छोले भटूरे 90 रुपीज़ में मिल रहे थे और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट था। एंड आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम फिर लहंगा हंट पे निकल गए क्योंकि मुझे कल लहंगा पहनना था। तो इस टाइम तक मैं एकदम पैनिक हो गई थी क्योंकि 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे एंड मुझे लहंगा मिला नहीं था। एंड उसके बाद क्योंकि मुझे ब्लाउज़ भी बनवाना था तो ये टेलर से मैंने सोचा था कि ब्लाउज़ तो मैं बनवा ही लूँगी, ये हो जाएगा। बट लास्ट में एक भैया मिले हमें, दीपक भैया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स दिखाई और लास्ट तक लिटरली 2-3 घंटे तक ये हमारे साथ थे शॉप में। एंड लास्टली हम इस शॉप में घुसे, इस शॉप का नाम था अरुण शॉप था, अरुण लहंगा हाउस था, ये मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे मुझे फाइनली लहंगा मिल गया जो कि बहुत सुंदर था। एंड होपफुली मैं आपको फ़ोटोज़ डाल दूँगी लास्ट में, अगर मैंने वीडियो ली तो मैं वीडियो भी डाल दूँगी। बट यहाँ पे एटलीस्ट मेरा लहंगा मिल गया, बट इट वॉज़ फॉर 7,000 जो कि मेरे लिए बजट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये लहंगा नहीं है, दुपट्टा है। 2-4-6 घंटे के बाद हमने लहंगा ले लिया, एट लास्ट हमें मिल गया। अब कुछ खाते हैं, फिर हमें भूख लग गई है, बहुत तेज़ भूख लग गई है सही में। ऑनलाइन थोड़ा दूर हो, दूर हो थोड़ा। पापड़ी चाट खा रहे हैं, एक स्टॉप फिर हम खाने के लिए रुक गए और हमने लिए लस्सी। यहाँ फेंकते हैं 10। मैं सोच रहा जी काफी साथ में कैसा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, मीठा भी बहुत कम है। अच्छी बात है, आई लाइक दैट। मतलब लस्सी के हिसाब से मीठा कम है यार, मैं वो बोल रही हूँ। क्रीम क्रीम सा आ रहा है टेस्ट, दही का नहीं आ रहा। एवरेज कितने का मिला था? 50 रुपये का ही है, हमारे 50 रुपये डूब गए गाइस। और लहंगा ले लिया हमने और हम अब पहुँच गए हैं घर। थोड़ा कुछ खाने के लिए रुक गए, बहुत भूख लग गई थी, वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था हमें खाने के लिए। ये रहा लहंगा, मतलब मुझे अच्छा लगा। लिटरली मैंने 5,000 लहंगे देखे हैं, मैंने 5,000 लहंगे और मुझे बहुत ज़्यादा थक गए। बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी। एंड आपको लहंगा मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, मैं आई थिंक मैं व्लॉग तो करूंगी नहीं, मैं नेक्स्ट में आपको फोन कोल्ड कॉफ़ी। एंड आपको मैं लास्ट में मैं वीडियो ऐड कर दूंगी अपने लहंगे का, अगर मैं कर पाई तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।